हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 2.2। देखो इसमें क्या कहता है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। मतलब जो गिवन नंबर्स हैं यहाँ पर ये जो दिए हुए हैं ये क्या हैं, सम और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। मतलब पहला क्या होगा, सम ऑफ जीरोज है और दूसरा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हम क्वाड्रेटिक निकाल सकते हैं। तो देखो सॉल्यूशन में चलते हैं, हमें हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या है, पहला 1/4 और -1 दिया हुआ है। ठीक है, देखो ये ना हम दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, जो सा आपको ठीक लगे आप वैसे कर लेना। ठीक है, तो देखो ये आपके पास 1/4, ये क्या है आपके पास, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, क्योंकि रिस्पेक्टिवली जो वर्ड लगा हुआ था ना, तो इसका मतलब क्या है, ये पहला नंबर क्या है, सम ऑफ जीरोज है और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल आ गया आपके पास, 1/4, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, -1 के। ठीक है, ये तो है गिवन चीज़। ठीक है, तो दो तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। देखो कैसे, पहला तरीका तो है कि आप फॉर्मूले से कर सकते हो, वो सिंपल ही है, उसमें कुछ करने की बात ही नहीं है। तो फॉर्मूला क्या है क्वाड्रेटिक बनाने के लिए, ये है आपके पास एक्स का स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू में 0। बस इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। देखो कैसे, एक्स स्क्वेयर है इधर माइनस सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज क्या है, 1/4, तो 1/4 वैल्यू पुट कर दो, साथ में मल्टीप्लाई क्या है एक्स है, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, -1, तो यहाँ -1 रखो और इक्वल टू में 0। अब देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वेयर -1/4x और ये माइनस का 1 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर ये माइनस, जैसे ये 1/4 की टर्म्स में नहीं हो सकता, तो इसको हम कैसे सिंपल वे में लिखेंगे। देखो अब मुझे ये 4 यहाँ से हटाना है, तो मैं कैसे हटा सकता हूँ, अगर यहाँ पर मैं 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करूँ, लेकिन ऐसे तो नहीं कर सकता। तो देखो हम क्या करते हैं, इक्वेशन में पूरा इसकी यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई। तो देखो कैसे, ये पूरी भी टर्म किससे मल्टीप्लाई, 4 से, और ये पूरी टर्म भी 4 से मल्टीप्लाई। तो देखो क्या बन जाएगी, ये 4x² माइनस 4 यहाँ जाएगा, देखो 4 बनेगा 4/4x, तो कितना रह जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा, और ये माइनस का 4 और इक्वल टू में 0 × 4 0 ही रहेगा। ठीक है, देखो इसी तरीके से ये करना है हमेशा, जब भी नीचे कोई टर्म आ जाए तो उसी से क्या कर दो, उसे मल्टीप्लाई दोनों साइड, लेकिन ठीक है, ताकि कोई इक्वेशन में फ़र्क ना पड़े कि हमने दोनों साइड ही वो मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो इधर 0 ही आने वाला है और ये इस तरीके से आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है कहानी? ठीक है, दूसरा तरीका समझो इसका, दूसरा तरीका कैसे है, ये तो आ गया इस तरीके से। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है सॉल्व करने का, देखो सम ऑफ जीरोज मुझे पता है, जो फॉर्मूला है उसमें -b/a होता है कोफिशेंट वाला। ठीक है, और यहाँ से ये किसके इक्वल है, 1/4 के इक्वल है। ठीक है, और मुझे पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो किसके इक्वल होता है, c/a कितना है यहाँ पर, -1 है, यही मतलब हुआ। ठीक है, और नीचे कुछ नहीं है तो मैं यहाँ 1 लगा दूँ। अब आपको क्या करना है, आपको ये कंपेयर करना है यहाँ पर a की वैल्यूज, यहाँ a 4 है और यहाँ a 1 है, ऐसे तो नहीं हो सकता, a की वैल्यू होनी चाहिए a की। ठीक है ना, तो यहाँ 4 है और यहाँ 1 है। ठीक है, तो मैं इसको 4 बना सकता हूँ, कैसे बना सकता हूँ 4, कि अगर मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ ये ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पूरी टर्म पे, क्योंकि 4 से 4 कट जाना है तो वही रहना ही टर्म। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पर ये a क्या बन गया, 4 बन गया, और यहाँ भी a 4 ही था तो यहाँ भी a 4 बन गया। ठीक है, तो ये अब जो नई टर्म आई है ये क्या आई है, माइनस का 4 अपॉन में 4, ऐसे। तो यहाँ से मेरे को a बनाना था सेम। ठीक है, अब आपको जनरल इक्वेशन पता है क्वाड्रेटिक की, वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस में c। तो बस अब कुछ नहीं है, वैल्यूज पुट करनी है। देखो a यहाँ से कंपेयर करके कितना आया हमारे पास, देखो a आया है 4। ठीक है, और b देखो, b कितना आएगा, देखो b कैसे निकालेंगे, देखो -b इक्वल टू यहाँ कितना है, 1 है, अगर हम ऐसे कंपेयर कर रहे हैं तो b कितना आ रहा है, ये माइनस का 1 आ रहा है। ठीक है, और c देखो कितना आ रहा है यहाँ से, माइनस का 4, c कितना आ रहा है, माइनस का 4। तो बस ये वैल्यूज रख दो, a की वैल्यू 4, 4x² प्लस में b कितना है, माइनस का 1, तो माइनस वन ऐसे रख दूं, और ये कितना आ गया यहाँ पर, ये एक्स प्लस में सी है, तो ये आ गया आपके पास माइनस का 4, सी की वैल्यू -4 है। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपके पास ये बन गया 4x² प्लस माइनस माइनस, और 1 हम लिखते नहीं है तो सिंगल में एक्स लिख सकता हूँ, और ये माइनस का 4, देखो यही आ गई जो हमने फॉर्मूले से बनाई थी। ठीक है, यहाँ से भी यही चीज़ आ रही है, समझ रहे हो बात? तो आपके पास चॉइस है, आप फॉर्मूले से करना चाहते हो फॉर्मूले से कर दो, नहीं तो ये इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आया समझ में? तो आपकी इच्छा है, जैसे मर्जी कर दो आप। ठीक है, तो एक तो ये वाला मेथड था आपके पास, ठीक ये था, और एक ये वाला मेथड हो गया। ठीक है जी, क्लियर? ओके, थैंक यू।